जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। अरे वाह शिवजी, तुम मेरे साथ यहाँ भी आ गए। अहिल्या, तुम नहीं आप। जरा ध्यान रखो, इस परिवार की बहू होने के नाते ऐसे जोर से बात करना, चिल्लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और तो और शिवलिंग को देखकर इतना खुश होने की कौन सी बात है? लेकिन मैं तो शिवजी को देख के हमेशा खुश होती हूँ। अरे बस बस, बहस बंद करो और कुलदेव जी को प्रणाम करो। अहिल्या, ये क्या है? ये ना खंडू मछली की चांदी की टाके मेरी आई ने मुझे दी है पूजा घर में रखने के लिए। इससे ना सब अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन पूजा घर में सारे देव सोने के हैं। चांदी की टाक यहाँ नहीं रख सकते, सोने में बनवा देंगे फिर यहाँ रख देंगे। पर सासु भाई, ये टाक मुझे मेरी आई ने दी है पूजा घर में रखने के लिए। और जब भी मुझे मेरी आई और दाची की याद आएगी ना, तब मैं इसे देखूंगी, फिर मुझे रोना नहीं आएगा। अहिल्या, शुभ समय पर रोने की बातें नहीं करते, और जो महल की रीत है उस हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। चांदी की टाक यहाँ नहीं रख सकते। पर सासु भाई, ये शिवलिंग भी तो पत्थर से ही बना है ना, तो जब ये शिवलिंग यहाँ हो सकता है तो मेरे चांदी के खंडों पर टक क्यों नहीं रह सकते? देखो अहिल्या, बिल्कुल रह सकते हैं और रहेंगे। अब तो तुम्हारी बात सुनकर गौतमा को भी लग रहा है कि ये यही होना चाहिए। क्यों गौतमा, ठीक कहा ना मैं? जय शिव शंभु। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम। विवाह के बाद पहली बार आप कुलदेव के दर्शन करने आए हैं, इसीलिए एक विधि संपन्न करनी होगी। शंकर जी के सामने जो शंख रखा है वो राजपाट का प्रतीक है, और मेरे हाथ में जो अक्षत है वो घर गृहस्थी का प्रतीक है। छोटे सुबेदार जी, अभी आप शंख उठाइए, और आप छोटी सुनबाई, ये अक्षत लेकर इस शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा करेंगे, यानी आधी प्रदक्षिणा करेंगे। उसके बाद जब नई वधू ये अक्षत समर्पित करेगी, तब छोटे सुबेदार जी आप शंखनाद करेंगे, और तभी प्रदक्षिणा पूरी होगी। आप दोनों समझ गए? ये शंख विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है खंडेराव।
परिवार के उत्तराधिकारी को ही इसे हाथ में लेने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए संभाल के सुन भाई, आपने तो अधर्म होने से बचा लिया। एक हाथ में अक्षत पात्र और एक हाथ में शंख। इसका मतलब गृहस्थी के साथ राजपाट का उत्तरदायित्व आप ही संभालेंगी। अहिल्या, शंख खंडेराव के हाथ में दे दो। देख लिया नई बहू का कारनामा? अभी महल में कदम पड़े भी नहीं और अक्का साहेब को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। बेचारी अक्का साहेब, एक नालायक बेटा क्या कम था उनका नाम डुबोने के लिए, जो अब एक गांव वाली लड़की उनकी बहू बनकर आ गई हैं। राम मिलाई जोड़ी, सोने पे सुहागा इसे कहते हैं। यूं ही नहीं, हमने खंडेराव को इस शादी के लिए मना लिया। आप वो नहीं देख रही जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? यही कि उस लड़की से बच के रहना पड़ेगा। हो सके तो अपने काबू में कर लेना उसे। वो लड़की, वो एक मामूली घर से आई बित्ते भर की छोकरी, हमें उससे क्या खतरा हो सकता है? आप समझ नहीं रही हो, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। दुनिया देखी है मैंने, आपके मायके से आपके पाठराखिण बन के आई हूँ यहाँ। आपका भला सोचना ही धर्म है मेरा। सच कहती हूँ रानी साहब, अहिल्या में ऐसा तो कुछ है जो इस परिवार की किसी भी बहुरानी में अब तक नहीं देखा।
ये तुम्हारा कमरा है, अब से तुम यही रहोगी। और ये है राधा बाई, महल की सबसे पुरानी सेविका, किसी चीज की जरूरत हो तो इनसे कह देना। अरे आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? शायद ठीक से सुना नहीं, ये तुम्हारी दासी है, जैसे यमुना बाई द्वारका बाई साहेब की दासी है। इनके पैर छूने की जरूरत नहीं। लेकिन ये इतनी बड़ी है, मेरी आई से भी बड़ी है ये, और मेरी दाजी कहते कि बड़े लोगों के पैर छूना ना अच्छी बात होती है, और मैं तो इस महल में सबसे छोटी हूँ ना, फिर मुझे तो सब करना चाहिए, है कि नहीं? जितना कहा जाए उतना ही करो। तुम्हारे दाजी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि हर बात पे सवाल करना अच्छी बात नहीं होती? राधाबाई ने तुम्हें नहीं, महल की होने वाले रानी को प्रणाम किया था। यही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा औदा है, और यहां उम्र नहीं, औदा मायने रखा जाता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए आसानी होगी। और हाँ, जल्दी से कपड़े बदल लो, और बहुत सारे काम हैं। ये होती है असली मिठाई। वहां चौंडी गांव में ऐसा लग रहा था जैसे मिठाई नहीं, गाय भैंस का चारा खा रहे। कुछ भी अच्छा नहीं था उस गांव में। हाँ, बस वहीनी के टशन देखने लायक थी। पता है, अपने खंडेराव से शादी करने के लिए मना कर रही थी वो। क्या? छोटे सूबेदार से शादी नहीं करनी थी उसे? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। अरे डर रही थी और क्या, ऊपर से बता रही थी जैसे बड़ी बहादुर हो। अपने गांव में तो सभी शेर होते हैं, अब मालवा आ गई है ना,
सब पता चल जाएगा उसे कि खंडेराव कौन है। कुछ चल रहा है ना दिमाग में? स्वागत करना है अहिल्या का, शानदार स्वागत। अहिल्या, कहाँ चली गई है? ठीक से साड़ी पहनना नहीं आता ना? मैं पहना दूं? मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब इस घर की बहू बनना ही था तो सब कुछ सीखना पड़ा। तुम भी एक दिन सीख जाओगी। अब चले, अक्का साहब ने बुलाया है रसोई घर में। नई बहू सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, अन्नपूर्णा का रूप होती है। होलकर परिवार के रिवाज के अनुसार गृह प्रवेश करने के बाद नई बहू को कुछ मीठा बनाना होता है। तुम शीरा बना लोगी ना? सुन भाई, वैसा वाला शीरा नहीं है जो आपके घर पर बनता है। ये बस शक्कर डाली और बन गया शीरा। राजशाही पकवान की तरह बना पाएंगी आप? शुद्ध घी और मेवे वा अहिल्या अब चौंडी गांव के पाटिल की बेटी नहीं, होलकर वंश की सुनबाई है। अब तक वो जिस तरह से जीती आ रही थी, जिन लोगों के साथ पली बड़ी, वो सब उसे पीछे छोड़ना होगा, भूलना होगा वो सब। इसलिए बात बात पर उसे पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए द्वारकाबाई साहेब, वरना यहाँ के तौर तरीके सीखेगी कैसे अहिल्या? हम सब अलग अलग जमीन से उठकर आए हैं, पर आज हमारी पहचान क्या है? होलकर वंश। और अहिल्या को भी जल्द से जल्द इसी घराने के रंग ढंग में ढालना होगा। यही इसका धर्म भी है और कर्तव्य भी। सामग्री लाइए। यमुना भाई आइए।
शिरा बनाकर बाहर ले आना। पात्र और थाल वहां रखे हैं। चलिए सब, अहिल्या को काम करने दीजिए। चलिए। ऐसे किसे भूल जाऊंगी मैं सबको? आइए ताची ने तो सब सिखाया ना मुझे। Thank you.
हो गया, अब आएगा मजा। चलो चलो। माफ करना रानी से, आपने नई सुनबाई को कह तो दिया शीरा बनाने, पर क्या उन्हें शीरा बनाना आता है? यमुना भाई, इस उम्र में जितनी कुशलता होती है उससे ज्यादा कुशलता आती है हमारी अहिल्या को। पंडित जी नमस्ते। प्रणाम। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। भाई साहब, आज भगवान का भोग तो अहिल्या बनाएगी ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया? जब रखमा वहिनी आई थी तब उन्होंने भी तो बनाया था। अरे वाह, याद है। अक्का साहब, नई नई सुनबाई शीरा बनाकर लाई है। अहिल्या, ये किस बर्तन में तुम शीरा लेकर आई हो? इन बर्तनों में यहाँ के नौकर खाना खाते हैं। भोग का शीरा लाने के लिए तुम्हें और कुछ भी नहीं मिला? कहा था ना तुमसे, पूजा घर का सामान कहाँ रखा है, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? आप क्यों अपना खून जलाते हैं अक्का साहेब? झोपड़ी में रहने वाले महल के तौर तरीके कैसे समझेंगे? आप कितना भी सर फोड़ ले, चिकना घड़ा है या लड़की, इस पर कोई असर नहीं होने वाला। सासू भाई, ने मुझे शीरा रखने के लिए जो बर्तन दिखाया था वही तो लिया मैंने। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैंने गलत दिखाया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.